नमस्कार, बीसीएन न्यूज के खबरें सुपर फास्ट में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। कोरोना की दूसरी लहर में मनपा और सरकारी अस्पतालों के साथ ही निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने भी कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शहर के सभी डॉक्टरों के अथक प्रयासों से दूसरी लहर से निपटा जा सका है। उनके योगदान को देखते हुए अब किसी भी तरह की लहराए मनपा से निपटने के लिए तैयार है, यह विश्वास महापौर दयाशंकर तिवारी ने जताया। महामारी की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बाद राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार शहर की गतिविधियों को तो अनलॉक कर दिया गया, लेकिन कोरोना की त्रासदी कम करने वाले वैक्सीनेशन अभियान को लॉक कर दिया गया है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब लगातार चौथे दिन मनपा और सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर बंद होने की जानकारी दी जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अपनी ही पार्टी के मंत्री पर निशाना साधा है। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को तीखा पत्र लिखा है। यह पत्र एबीपी तक पहुंच गया है। पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष, जो सरकार का हिस्सा है, उन्होंने मुख्यमंत्री से शिकायत की और अपनी पार्टी के एक मंत्री ने कदाचार की ओर इशारा किया। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा चल रही है कि विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया जा रहा है। गुरुवार को फडणवीस ने इस चर्चा पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि मेरे शुभचिंतक चाहते हैं कि मैं दिल्ली जाऊं, मगर ऐसा नहीं होगा, मैं महाराष्ट्र में ही रहूंगा। स्कूलों द्वारा वसूली जा रही फीस में माफी को लेकर शुक्रवार को अभिभावकों द्वारा आरएस मुंडले इंग्लिश स्कूल, हिंदुस्तान कॉलोनी, समर्थ नगर में आंदोलन किया गया। इस दौरान अभिभावकों ने स्कूल परिसर में पहुंचकर अपना विरोध व्यक्त किया। आगामी होने जा रहे जिला परिषद चुनाव को स्थगित करने की मांग चल रही है, मगर इसी मांग के भीतर ही कांग्रेस की ओर से जिला परिषद चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। हाल ही में नागपुर ग्रामीण कार्यालय में आला नेताओं के बीच एक अहम बैठक संपन्न हुई। ओबीसी आरक्षण रद्द करने के पीछे किसी बड़े व्यक्ति का हाथ है, ऐसा वक्तव्य पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुए ने पत्रकारों से बात करते दरमियान दिया। इस वक्त उन्होंने राज्य सरकार द्वारा किए गए आश्वासनों पर तीव्र नाराजगी जताई, साथ ही महाराष्ट्र राज्य दैलिक महासभा की ओर से किए जा रहे आंदोलन की प्रशंसा की। गिट्टीगदान थाना क्षेत्र में एक अपराधी ने पत्नी से विवाद के चलते उसे लिफ्ट देने वाले किशोर का अपहरण कर लिया। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही गिट्टीगदान पुलिस जांच में जुट गई और 3 घंटे के भीतर आरोपी को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय द्वारा महाराष्ट्र राज्य कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में उप मुख्यमंत्री अजित पवार से जुड़ी लगभग 67 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है, जिसके चलते जब इस विषय में पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुए को पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि सिर्फ भाजपा सरकार के दौरान ही ईडी की कार्रवाई नहीं हुई है, तो भाजपा बीसीएन न्यूज के खबरें सुपर फास्ट भी फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।